उधर कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल का वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्लिम समाज से 100% वोटिंग की अपील कर रहे हैं गुंजल। इस वीडियो में गुंजल ने कहा कि पहले फेज की वोटिंग 50-60% पर अटक कर रह गई, तो ऐसे में आप सब लोगों को घर से निकलना है और आपको 100% वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सब लोग चाहते हैं कांग्रेस जीते, आपकी आवाज को दिल्ली में उठाऊंगा। इस सभा के दौरान बोले कांग्रेस के एक नेता, गुंजल साहब इन लोगों ने आपको विधानसभा नहीं जाने दिया, लेकिन इस बार ये आपको लोकसभा में भेजेंगे। गुंजल का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। जो है ये किसी की बात के पहचान के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, और ये आपकी आवाज को घंटाघर से लेके दिल्ली तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं प्रहलाद जी से भी कहना चाहूंगा कि प्रहलाद जी जो खुदा करता है अच्छा करता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको विधानसभा नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि आपको इनको लोकसभा पहुंचाना था। तो देखिए ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो की चर्चा भी है। हालांकि जी राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कांग्रेस को जो नेता है वो ये कहते हुए नजर आ रही है। और चले ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उसकी क्या सत्यता है ये जानते हैं। कोटा से हमारे सहयोगी केके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। केके, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि एक कांग्रेस के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो कि गुंजल को, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जिताया नहीं, विधानसभा नहीं भेजा, और अब ये आपको लोकसभा जरूर भेजेंगे, क्या इस वीडियो की सत्यता है? देखिए ये कोटा के घंटाघर इलाके का वीडियो है जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है और वहां पर कांग्रेस के एक नेता नवीन गुड्डू जो पिछले 3 बार से लगातार विधानसभा के प्रत्याशी रहे कांग्रेस की तरफ से लाड़पुरा से, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का मुंह तसना पड़ा। जब वो चुनाव प्रचार में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को लेकर के इस इलाके में पहुंचे थे तो वहां पर एक वीडियो उनका सामने आया जिसमें बयान देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर संदेश है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं गुंजल साहब जिन्होंने आपको विधानसभा जाने से रोका था और अब ये सभी लोग आपको लोकसभा पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसे में इसके बाद में गुंजल जो है वो भी आगे इसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि अब जो पहला फेज था उसमें मतदान 50% रहा, लेकिन अब हमें 100% वोटिंग करनी होगी। अगर आप लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हो तो आपको 100% वोटिंग करनी होगी, ये कहते हुए गुंजल इस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस एक तरफ सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है, दूसरी तरफ मुस्लिम इलाकों के अंदर जब प्रत्याशी गए तो उन्होंने 100% वोटिंग की, उनसे अपील की है और कहा है कि अगर आप कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस को जिताने का सबसे बड़ा जो दार मदार है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों, मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर रहता है, ये इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं नईमुद्दीन गुट्टू, और स्पष्ट रूप से ये बात को इस वीडियो के अंदर समझा जा सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका केके ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।